अस्सलाम वालेकुम, शाही सेल्फी अपने न्यू व्लॉग के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त पिंडी स्टेडियम में। पिंडी स्टेडियम में मेला जो है वो सजने वाला है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। कल से यहाँ मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 3 मैच आपने लाहौर के देखे, आपको मजा आया होगा, आया कि नहीं आया? आखिरी मैच तो बहुत ही कमाल था। इस्तेमीनिया आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। इफ्तिखार ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और अगर वो आखिरी का 2 रन और बन जाते तो हम मैच जीत जाते, लेकिन वेल डन। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान इस वक्त भी लीड कर रहा है, 2-1 से सीरीज में लीड कर रहा है। और यहाँ जो पिंडी स्टेडियम है इसमें तैयारियां हो चुकी हैं और मैच की जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, रेडी है। आज सुबह बारिश हुई है, कल भी है बारिश हुई थी, मौसम बहुत जबरदस्त है। और लेकिन ये अच्छा है कि जब मैच का टाइमिंग है उस टाइम पे यहाँ बारिश नहीं है। सुबह के टाइम बारिश होती है, रात में जो है ना कोई बारिश नहीं होती यहाँ पे। और 2 दिन से यही सिलसिला जारी है और हम दुआ करते हैं कि आगे भी यही सिलसिला जारी रहे और हम लोग मैच देख सकें। तो यहाँ जो है टोटल 2 T20 और 2 ODI मैच हैं वो यहाँ होने वाले हैं। T20 का तो यही पर रिजल्ट पता लग जाएगा कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत रहा है या न्यूजीलैंड जीत रही है। होप सो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी लीड कर रहा है। पाकिस्तान को एक मैच और जीतना है, पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा। उसके बाद ODI 2 यहाँ होंगे और बाकी 3 ODI जो है वो कराची में होंगे। तो पिंडी स्टेडियम में तैयारियां बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त तैयारियां जा रही हैं। कुर्सियां लगाई गई हैं, जबरदस्त कलर की कुर्सियां, कलरफुल कुर्सियां लगाई हैं। ये मोर देन 10,000 से ऊपर जो है कुर्सियां इसमें न्यू इंस्टॉल की गई हैं। और आप देख सकते हैं कुर्सियों के ऊपर डिजाइन से लिखा गया BCB, ये देख सकते हैं PCS, मतलब बहुत जबरदस्त तैयारियां जा रही हैं। और फिर ग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने भी अपना सेटअप लगा लिया है। और जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। और आपने मैच इन्जॉय किया होंगे और आप आगे भी इंशाल्लाह मैच को इन्जॉय करेंगे और ब्रॉडकास्ट को भी इन्जॉय करेंगे।